টাটা, বাই বাই, ছটা মাই গেলো, খুড়া থাক, এটুকু থাক, খুড়িমা থাক, এতিয়া চুমু খাঙা আর একবার লাস্ট, এতিয়া জলদিয়া জলদিয়া জলদিয়া, পটককে পটককে, গরম লাগছে গরম লাগছে গরম লাগছে গরম লাগছে, নহলে চুমু খাং খাং, এদি টাটা, বাই 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 বাই। सो हेलो नमस्कार माय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजरी ब्लॉग्स। आप लोग कैसे हो? होप से भी अच्छे होंगे। फाइनली वो दिन आ गया है, आज से 21 अगस्त, तो टाइम हो गया है मुझे गोलाघाट जाने का। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ गोलाघाट, और अभी फिलहाल हूँ मैं मेरे दोस्त के घर अबू। बहुत दिन के बाद मेरे ब्लॉग पे इसको देख रहे हो, क्योंकि ये लोग आजकल बहुत बिजी रहता है, मिलने का भी टाइम नहीं मिलने के पास। लेकिन एक बात है ना कि जब टाइम आता है तब दोस्त काम आता है। बस आज इसका काम, इसका टाइम हो, इसको बोला कि मुझे जाके ड्रॉप करके आना, तो पूरा रेडी हो गया भाई। तो फिलहाल हम लोग, मेरा ट्रेन है रात को बोंगाईगांव से 11:30 को, फिलहाल हम लोग जा रहे हैं बोंगाईगांव। वहाँ पर मेरे रिश्तेदार रहते हैं, मेरी बारे में उसी बोलते हैं, पता नहीं जो भी हो, लेकिन उनके घर में जा रहे हैं हम लोग अभी। तो वहाँ पर जाएंगे एंड दोपहर का खाना भी वहाँ पर ही होगा, तो वहाँ पर खा के ये मुझे वहाँ पर ड्रॉप करके चलाएगा वापस, और रात को वहाँ से मेरे बड़े मौसी के बेटे मुझे जाके स्टेशन पर ड्रॉप करके आ जाएगा। तो फिलहाल हम लोग हो चुके हैं बहुत लेट, हम लोग जाने वाले थे करीब 12 बजे, और अभी हो रहा है टाइम 2:30, मतलब हम लोग कितने घंटे, 2.5 घंटे लेट हो गए। ये सच बात है, यूट्यूबर्स आर ऑलवेज लेट। पैकिंग मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, बस एक छोटा सा बैग लिया है मैंने, बस यही बैग लिया है मैंने, एक ही बैग है, क्योंकि ऊपर मास्क है भाई, ये तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यही बैग मैं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा, मैं 27 को वापस आ रहा हूँ। तो बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि भाई तुम बाइक ले क्यों नहीं जा रहे हो, तो बाइक लेके मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ, एक ही रीज़न है, क्योंकि मैं 27 में वापस आऊँगा एंड उसके बाद यहाँ से मैं फिर से चला जाऊँगा गोलाघाट। तो उस टाइम जब जाऊँगा तो मैं बाइक लेके जाऊँगा। तो बहुत दूर होता है ये, यहाँ से ग्वालपाड़ा से करीब 500 किलोमीटर होता है, तो इसलिए बार बार बाइक से अप एंड डाउन करना बहुत तक मतलब दिक्कत होता है बहुत। तो इसलिए मैं बाइक लेके नहीं जा रहा हूँ इस बार फिलहाल। तो हम लोग निकलेंगे, अभी बहुत लेट हो चुके हैं, तो हम लोग निकलने वाले हैं और हम मेरा बाइक लेके ही जाएंगे। तो मैं बाइक नहीं ड्राइव करूँगा अभी, उसको चलाने दूंगा भाई, मुझे नहीं चलाना अभी। तो वो अपना बाइक लेके नहीं जा रहा है, तो मेरा ही बाइक लेके जाऊंगा और वो वापस मेरा बाइक से आ जाएगा घर शाम को। अभी फिलहाल तो हम लोग निकलते हैं यहाँ से, और बाकी बातें मैं वहाँ पर जाके बताऊंगा आप लोगों को। तो चलते हैं अभी। पहुँच चुके हैं सालमारा, तो मेरे बड़े मौसी का खरीदा ही है, और ये मेरे भाई का बाइक NS 160। फिलहाल मैं यही राइड करके जाऊंगा उनके घर तक, वो लोग निकल गए मेरे बाइक लेके, मेरा भाई और मेरा दोस्त। तो फिलहाल मैं इस NS को लेके उनके घर तक जाऊंगा। तो चलिए, तो गाइस फाइनली पहुँच चुका हूँ सालमारा बोंगाईगांव में, पहुँच के अभी खाएगा खाना, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, 4 बज गया, बहुत लेट, हमेशा लेट, हर वक्त ली, जहाँ पर भी जाओ लेट ही पहुँचता हूँ, लेट ही होता है सब काम। अभी 4 बजने वाले, अभी करेंगे हम लोग लंच, तो लंच कर लेते हैं उसके बाद में। खाना खाने के लिए इधर है चिकन, ये है कुमरा भाजी एंड ये है कोसू भाजी एंड भट। अभी हम खाएंगे खाना, आराम से पेट पूजा कर लेते हैं, क्योंकि 4 बज गया, बहुत ज़्यादा भूख लगा है हमको। तो गाइस अभी वक्त हो गया है मेरे जाने मन, मेरे जान को बाय बाय कहने का, मेरे दोस्त भाई ध्यान रखना मेरे आने तक, इसका मतलब आराम से ये अब तेरी जिम्मेदारी है, इसको आराम से सही सलामत रखने का। अभी थोड़ा दुख हो रहा है मेरे जाने मन, आ रहा हूँ मैं 7 डेज बाद में फिर से आ रहा हूँ तेरे पास। तो भाई आराम से, हैव अ सेफ जर्नी, आराम से जर्नी, एकदम थैंक यू, ठीक है, बाय बाय, जा हवा फोन करीम, तुम भल के जा, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, बाय बाय, एकदम एकदम एकदम, हाँ बाय बाय मेरे जाने मन, बाय बाय, मिलते हैं कुछ दिन बाद। तो गाइस ये लेके आया हूँ मैं ग्वालपाड़ा स्पेशल बाखरखोनी, ये मैं ले जा रहा हूँ गोलाघाट, और यहाँ पर सालमारा में भी कुछ देंगे हम यहाँ पर खाने के लिए अभी, और बाकी सब लेके जाएंगे गोलाघाट। ये हमारे सिर्फ ग्वालपाड़ा में मिलते हैं, ग्वालपाड़ा स्पेशल सी से, तो ये वहाँ पर नहीं मिलेगा गोलाघाट में, इसलिए मैं लेके जा रहा हूँ इधर से। और अभी पहुँच गया है हमारा चाय, चाय ज़रूरी है भाई साहब, विथ बाखरखोनी, अभी पियेंगे चाय
और करेंगे चिल। तो गाइस फिलहाल हम लोग निकल के आ गए घर से, और ब्लॉक नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा जल्दी से निकला। तो अभी फिलहाल है हम लोग पेट्रोल पंप पे, लेकिन यहाँ पेट्रोल पंप बंद है, लेकिन मेरा भाई का थोड़ा जान पहचान है इसलिए वो थोड़ा बुलाने गया है। अभी पेट्रोल डालेंगे और मैं हूँ अभी स्कूटी पे एंड्रॉइड पे, ये भी मेरा भाई की स्कूटी है। तो अभी यहाँ से हम लोग निकलते हैं। तो गाइस हम लोगों ने पेट्रोल डाल लिया, अभी निकल चुके हैं और रास्ते पे है अभी, और फिलहाल हम लोग चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों को सीधा स्टेशन पे। तो गाइस स्कूटी हो गया पार्क और हम लोग पहुंच गए फाइनली न्यू बांगा रेलवे स्टेशन। तो अभी चलेंगे अंदर, ट्रेन कौन सी प्लेटफॉर्म पे है वो फर्स्ट काम है वो ढूंढना। अंदर चलते हैं और ढूंढते हैं कहां पर है हमारा ट्रेन। तो गाइस फिलहाल पहुंच चुके हैं स्टेशन पे और मेरा ट्रेन आ रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 3। यहां पर पहुंच गए प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे और अभी टाइम हो रहा है 11:12 और ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आएगा 11:15 को एंड निकलेगा यहाँ से 11:25 को। पहुँचते गए, अभी तक ट्रेन नहीं पहुँचा है स्टेशन पे। जैसे ही पहुँचते हैं फिर अपना जो डिब्बा है वो ढूंढना है, फिर अपना सीट ढूंढना है एंड उसके बाद आराम से बैठना है। तो फिलहाल करते हैं चिल यहाँ पर थोड़ा, इधर मेरे भाई और भाई का दोस्त तो थोड़ा रेस्ट करते हैं अभी। गाइस हमारा ट्रेन घुस गया है प्लेटफॉर्म पे, ये है हमारा ट्रेन ओवर असम एक्सप्रेस। आइए 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 जी आइए आइए। अभी ढूंढना है मेरा डिब्बा, मेरा डिब्बा है S6, देखते हैं है कि नहीं। हाँ जी यही है S6। डिब्बा में पहुंच गया है अभी नहीं लग पा रहा एकदम। तो गाइस हमारा ट्रेन अभी जाने वाला है, ये चालू हो गया ट्रेन। तो हम लोग फाइनली निकल चुके हैं बंगाईगांव रेलवे स्टेशन से। तो मैं तो पहुंच गया ट्रेन पे, लेकिन दिक्कत हुआ मैंने जो अभी दिखाया मैंने सीट पे, तो वहाँ पर एक महिला बैठे है, उसके पास एक छोटा सा बच्चा है। कितना एज का होगा पता नहीं, देखने में लग रहा है कि महीनों का है, एक साल भी शायद नहीं हुआ है जन्म देते हुए। तो वो लोग जाएंगे गुवाहाटी तक, गुवाहाटी में उतरेंगे वो लोग। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं आप लोग मेरे सीट पे होके जाइए, क्योंकि बच्चे को देख के मुझे बुरा लग गया था, महीनों का बच्चा है वो बच्चे को लेके कहाँ पर जाएगा। तो मुझे तो दिल से बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने बोला कि आप लोग मेरे सीट पे होके रहिए, मैं गुवाहाटी में जब उतरेंगे तो मेरा सीट तो मुझे मिल ही जाएगा। यहाँ से 3 घंटा लगेगा गुवाहाटी तक, तो 3 घंटे में यहाँ पर खड़े के ही जाऊँगा। तो फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं नौलबारी, हमारे डिम्पूवा का होम टाउन। और अभी टाइम हो रहा है 1:04 और 2 घंटे के बाद पहुंच जाएंगे शायद गुवाहाटी, और गुवाहाटी में ये मैडम उतरेंगे एंड उसके बाद ही मैं अपनी सीट पे बैठूंगा। फिर मेरे नज़र पे पड़ गया ये हमारा नेशनल फ्लैग, बहुत बड़ा है ये नेशनल फ्लैग। अरे रोंगिया से रोंगिया पहुंच गए और मैंने लिया यहाँ पर कॉफ़ी, अभी कॉफ़ी पी ले थोड़ा कॉफ़ी के सुस्की रात के 2 बजे, बेहतरीन मस्त लग रहा है अभी। गाइस हम लोग पहुंच के अभी कामाख्या स्टेशन पे, और वो मैम और बच्चा उतर गए इधर ही, वो लोग मैंने सोचा कि गुवाहाटी तक जाएगा लेकिन कामाख्या में उतर गए, मतलब अगले स्टॉपेज ही गुवाहाटी है। तो वो मैम और बच्चे तो उतर गए, अभी मुझे मेरा सीट मिल गया। तो अभी ऐसे ही आराम करते करते आगे का जर्नी करूँगा मैं, सुबह मिलते हम लोगों से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम वेयर पता नहीं, लेकिन देख रहे हैं आप लोग रोशनी हो चुका है, लेकिन अभी तक सनराइज नहीं हुआ है और अभी टाइम हो रहा है 4:50। मैं एकदम पूरा मस्त वाला लिया, एक दर्जन का एकदम मस्त वाला नींद ले लिया क्या, और अभी छोड़ना नहीं है मुझे, अभी बस नज़ारा देखते देखते आराम करते हुए जाते रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट में अभी है सोरोपथार में, ट्रेन यहाँ से निकल गया, अभी करीब 20 मिनट बाद मैं पहुँच जाऊँगा फोरकाटी। एक्चुअली में मुझे जाना है जामुगुरी और वो 20 में ही मिलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उधर ट्रेन नहीं रुकता है, इसलिए मुझे फोरकाटिंग जाना पड़ेगा एंड उधर से वापस आना पड़ेगा। तो अभी चलते 20 में मैं थोड़ा जामुगुरी को दिखा दूँगा। यही है मेरा गाँव, ये जो रोड देख रहे हैं आप लोग, इधर से मैं कुछ देर बाद ऐसे ही जाऊँगा मैं। बाय बाय जामुगुरी, अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर बाद में फिर वापस। सो फाइनली पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे फॉर कटिंग जंक्शन।
हम लोग खुज के फॉरगेटिंग जंक्शन में अभी दिल को सुकून मिला इतने टाइम से आते आते पहुंच गए फाइनली डेस्टिनेशन पे, अभी उतरेंगे। तो उतर के ट्रेन से और उतरते ही ले लिया क्या चाय, अपरा समय और चाय ना पिए ऐसा कभी हो सकता है। पहले उतरते ही पहला काम हुआ चाय पीना। तो हो गया है एक लोचा। लोचा क्या है, यहाँ पर कोरोना टेस्ट करते हैं, बिना कोरोना टेस्ट करते हुए स्टेशन के बाहर जाने नहीं देंगे। तो अभी वहाँ पर जाके पता चलेगा कि मैंने तो वैक्सीन ले लिया है फुल्ली, वहाँ पर जाके पूछेंगे। वैक्सीन देने के बाद भी टेस्ट करना पड़ेगा क्या? अगर करना पड़ेगा तो टेस्ट कर लेंगे, और अगर नहीं करना पड़ेगा तो अच्छा है निकल जाएंगे। तो फिलहाल इतने बड़े लंबे लाइन में रुके हुए हैं। तो गाइस बात ऐसा है कि अगर आप फुल्ली वैक्सीनेट है फिर भी आपको यहाँ पर टेस्ट करना पड़ेगा। तो मेरा भी टेस्ट किया गया, अभी वही निगेटिव निकला। तो अभी निकल चुके हैं, अभी जाएंगे घर तक। मेरा एक दोस्त आ गया मुझे पिकअप करने के लिए। ये दोस्त लोग हमेशा रेडी रहता है कि भाई तू आ रहा है, मैं जाऊँगा तुझे पिकअप करने के लिए। कॉल किया मुझे सुबह और अभी पहुंच गया नीचे ही है। मैं मिलाता हूँ दोस्त को आप लोगों से और फिर चलेंगे घर तक। बहुत खुशी हो रहा है, करीब एक साल बाद मैं आया हूँ गोलाघाट। करीब 3 साल हो गया मैंने ट्रेन से जर्नी नहीं किया है। तो 3 साल बाद आज ट्रेन से जर्नी किया एंड 1 साल बाद आया हूँ गोलाघाट। तो बहुत खुशी हो रहा है। तो फिलहाल फॉरगेटिंग की गलियों में, फॉरगेटिंग की गलियों के बीच से होते हुए जा रहे घर। तो गाइस फिलहाल हम लोग है वॉटिंग पे और ये है मेरा दोस्त सुमू, तो आ गया मुझे पिकअप करने के लिए। तो अभी इतना बारिश हुआ थोड़ा बहुत भीग भी गए हम लोग और मतलब 2-3 जगह पे रुके बारिश की वजह से, इसलिए सोचा कि और ब्लॉग कंटिन्यू नहीं करूंगा, यहीं पर खत्म करता हूं ब्लॉग। तो अभी गोलाघाट से कुछ ब्लॉग आएंगे, सो स्टे ट्यून एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए ब्लॉग कैसा लगा और साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल पे नए हैं तो, और साथ में नोटिफिकेशन बेल पे दबा दीजिए ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो सुनकर आप लोगों को मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग, स्प्रेड लव, थिंक पॉजिटिव, बनाकर चलते रहना, कोई डाउट फाइन। लाख मन नाओ के बुल फोन जगह आइ गल बे रोकी बोली बगर पानो चिटी जाम गुटे यस यस ये का ताओ बोट नाओ के ए पे बोट नाओ के ए पे बोट नाओ के टिटले यार को बारो को बारो को बारो को बारो मोय नो लेला।